तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, और बैंड्स की बात करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में. क्वेश्चन क्या लिख सकते हो? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड्स. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड. पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे करेंगे. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड्स. एटम को मतलब नजदीक लाने से ना मैम होता है. हाँ, एटम को नजदीक लाने से क्या होता है कि अब हम वैसे अभी तक जो हम एनर्जी लेवल्स पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आइसोलेट एटम्स के, सिंगल एटम्स के या फ्री गैस के, है ना, कि वो इजीली कहीं पे भी मूव करती हैं, दूर दूर रहती हैं, तो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं. फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं एटम्स जो हैं. तो कितना वो एक दूसरे के क्लोज है उसके अकॉर्डिंग जो है उनके जो एनर्जी लेवल्स है एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर जाते हैं या पास पास हो जाते हैं, तो बैंड्स फॉर्म होते हैं. चलिए इसको ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना रखा है. क्या कर रखा है कि दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उन दोनों के जो sp और क्या होता है बाहर के जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाते हैं. जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. वहां पे आप हाइब्रिड बैंड्स भी पढ़ते हैं ना, sp हाइब्रिड बैंड और sp3 हाइब्रिड बैंड, ऐसे करके. फिर yes, उनको और अगर क्लोज लेकर आते हैं तो वो बैंड्स भी क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं फर्दर. तो यहाँ पे कैसे दिखा रखा है, ये इंटर एटोमिक डिस्टेंस दिखा रखी है. अभी एक डायग्राम और दिखाऊंगी वहां पे क्या है एटम्स की फॉर्म में है, कि अगर सिंगल एटम्स है तो हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है. अब वो सिंगल एटम की जगह टू एटम्स एक दूसरे के क्लोज है पर फिर भी इंटर एटोमिक डिस्टेंस दोनों की थोड़ी दूर है, तो उनके जो शेल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, नंबर ऑफ हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स बढ़ जाती हैं. उनको और क्लोज लाते हैं तो sp हाइब्रिड्स बैंड्स बन जाते हैं. फिर उनको और क्लोज लाएंगे अगर एटम्स को, तो वो sp हाइब्रिड बैंड्स भी क्या है, डिवाइड हो जाएंगे बैंड्स के अंदर, वैलेंस बैंड और कंटेक्शन बैंड के अंदर. तो यहाँ पे ये जो डिवाइड दिखा रखा है, यहाँ तक क्या था, ये वाला जो रीजन था sp हाइब्रिड बैंड्स का था, s और p जो है एक दूसरे से हाइब्रिड बैंड्स बना रहे थे. अब इससे भी ज्यादा क्लोज लाए, यहाँ पे इंटर एटोमिक डिस्टेंस इधर जा रहे हैं तो कम हो रही है, इस साइड जा रहे हैं तो बढ़ रही है. अगर इसके और क्लोज ला रहे हैं तो ये जो हाइब्रिड बैंड्स हैं ये भी क्या हो रहे हैं, फर्दर डिवाइड हो जा रहे हैं. तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोल देते हैं, और ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोल देते हैं. तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट रीजन के, आउटर मोस्ट शेल्स के, वो बैलेंस बैंड में आ जाते हैं और कंडक्शन बैंड फ्री रहता है, एम्प्टी रहता है. और इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बैंड गैप बोलते हैं. अब मटेरियल के अकॉर्डिंग ये जो बैंड गैप है ये चेंज हो जाता है. जैसे कि हम जानते हैं कंडक्टर के लिए जो ये बैंड गैप होता है ये नेग्लिजिबल होता है, या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप ही कर रहे होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप मिडिल में होता है, बीच में होता है, इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर और कंडक्टर. जबकि इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से अच्छे खासे सेपरेट रहते हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये इस फॉर्म में दिखा रखा है कि गैस के लिए ये एनर्जी लेवल्स हैं और एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल्ड हुए हुए हैं. अब क्या हो रहा है, ये टू के लिए दिखा रखा है, थ्री के लिए भी दिखा सकते हैं, या टू एटम्स के लिए भी दिखा सकते हैं, कि टू एटम्स एक दूसरे के पास हैं लेकिन इंट्रैक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी इतने क्लोज नहीं है. तो उस केस में इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे पास रहेंगे, जैसे 1s का तीनों का होगा, 1s इसका भी होगा, 1s इसका भी होगा, 1s इसका भी होगा, तो 3 एनर्जी लेवल्स हो गए. ऐसे 2s के हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स होंगे, 2p के भी, 3p के भी, 2s के भी, है ना, 3s के भी. तो हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे क्योंकि ये तीन एटम हो गए लेकिन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर रहे, बहुत पास नहीं है. लेकिन अगर इन एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लाया जाएगा, मतलब इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम की जाएगी बीच की, तो उस केस में क्या होगा, ये बैंड्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे, बैंड्स बन जाएंगे एनर्जी बैंड्स. जैसे यहाँ पे 1s का बैंड दिखा रखा है कि और क्लोज हो गए जो बैंड्स, इनके बीच की डिस्टेंस और कम हो गई, 2s हो गया, 2p हो गया.
अब अगर इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और कम लाई जाएगी और क्लोज लाएंगे तो ये एनर्जी बैंड्स भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और हाइब्रिड बैंड्स बनाएंगे, और अगर उससे भी क्लोज लाई जाएगी तो फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म होगा। तो ये वाला एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्योंकि क्या होता है, मटेरियल के अंदर एक सिंगल एटम तो होता नहीं है। देखिए गैस में क्या है, सारे एटम या गैस जो है अलग अलग मूव कर रही होती है कंटेनर में, लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स के अंदर मेटल एक दूसरे के क्लोज होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं, और जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और बैंड्स बनाएंगे। कितना क्लोजली पैक्ड है उसके अकॉर्डिंग बैंड्स फॉर्म होते हैं और एनर्जी गैप डिसाइड होता है। When large number of atoms are brought to closer to form solid, there is significant interaction between outermost electron, hence the energy level or outer shell electrons, which are shared by more than one atom in a crystal, are changed considerably or and closely spaced energy level are formed. This energy difference between these level is very small, therefore it appear as a continuous set of energy and form energy bands. So energy band ban jate hain jab hum unko close late hain. Agar interatomic distance aur kam ki jaye, these band spread more on overlap to form sp. Ye small sp likhiyega, hai na, ye capital mein aa gaya, isko kar hi deti hu. sp hybrid bands, to jab hum unko aur close late hain to wo energy jo bands the closely spaced energy bands, वो sp hybrid bands में बन जाते हैं, और interatomic distance और decrease करी जाएगी तो ये जो hybrid bands हैं ये भी split हो जाएंगे energy bands में। तो दो energy bands में split होते हैं, lower band को हम balance band बोलते हैं जिसके अंदर सारे electrons occupied होते हैं, और upper band को हम conduction band बोलते हैं जो कि empty हो metal के conduction में contribute करता है conduct करने के लिए current को, और जो इनके बीच का गैप है एम्प्टी स्पेस उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप वाचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट। थैंक यू।